गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, इससे पहला पार्ट था वीडियो का, उसमें हमने क्या किया कि करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिंथेटिक फाइबर की, वहाँ तक हमने डिस्कस किया है। उससे आगे हम डिस्कस करने वाले थे कि हमने कहा कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं उसमें क्या होता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर लेस एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो लेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि यह स्टडी करेंगे कि जो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट टाइप के क्लोथिंग मटेरियल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी में क्या है, यहाँ हम बीकर लेते हैं, ठीक है। इस बीकर के अंदर क्या लेते हैं हम, पानी वाटर ले लेंगे, ठीक है। और वाटर लेने के बाद क्या करते हैं कि इसमें हम क्लॉथ लेते हैं, एक तो हम कॉटन क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हम क्या लेते हैं, वूल क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, और तीसरा हम क्या लेते हैं, पॉलिएस्टर लेते हैं, ठीक है। और पॉलिएस्टर के बाद नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, नाइलॉन लेते हैं, ठीक है। अब ये क्लोथ जो हम लेते हैं इनकी हम अलग अलग स्ट्रिप्स लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, अलग अलग क्लोथिंग के अलग अलग स्ट्रिप्स लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ये ली, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, एक स्ट्रिप कॉटन की, दूसरी स्ट्रिप हमने किसकी ली, वूल की, तीसरी स्ट्रिप्स हमने किसकी ली, किसकी लेते हैं, पॉलिस्टर की, और जो फोर्थ स्ट्रिप्स है वो हम किसकी लेते हैं, नाइलोन की लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है उसमें सबसे ज्यादा तो फर्स्ट जो कॉटन है उसमें जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो यहाँ तक वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो वूल है उसने इससे कम वाटर एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो पॉलिस्टर है उसने इससे भी कम वाटर एब्जॉर्ब किया है, और जो लाइलोन है उसने इससे भी कम वाटर एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, वाटर फिल किया था हमने। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा किस में है बच्चों, कॉटन में है, उसके बाद वूल में, उसके बाद पॉलिस्टर में, और उसके बाद लाइलोन में, कि जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, कॉटन के अंदर हो रहा है, ठीक है। कि हमने क्या देखा कि 20 और 30 मिनट्स के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि द लेवल ऑफ ब्लू कलर्ड वाटर ऑन री स्ट्रिप्स मेजर द हाइट ऑफ कलर्ड वाटर फ्रॉम ऑल द स्ट्रिप्स। कि हमने जो यहाँ पर जो वाटर लिया था, ठीक है, उसको हम किससे, लेंथ से मेजर करेंगे। लेकिन देखो बच्चों, जो हमने वाटर लिया है वो गीला हमें कैसे पता चलेगा, वाटर से तो गीला तो कपड़ा होगा लेकिन हमें पता कैसे चलेगा। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कलर्ड वाटर लेते हैं। अब कलर्ड वाटर कैसे होगा, इसके अंदर वाटर के अंदर हम क्या डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, और कुछ टाइम के बाद 20 और 30 मिनट्स के बाद हम देखते हैं कि जो वाटर एब्जॉर्ब किया है वो कौन से टाइप के क्लॉथ ने कितना किया है। तो और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये रीडिंग कहाँ पर रखेंगे, अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, एक बार फिर से सुनो कि हम क्या लेते हैं, फोर स्ट्रिप्स लेते हैं, एक कॉटन क्लॉथ की, दूसरी वूल की, तीसरी पॉलिस्टर की, और चौथी नाइलॉन की। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, वाटर लिया, और वाटर कैसा लिया है, कलर्ड वाटर लिया है, और स्ट्रिप्स को हमने इसके अंदर वाटर के अंदर रख दिया है कुछ टाइम के बाद। कुछ टाइम कितना, 20 व 30 मिनट्स के बाद हम क्या देखते हैं कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है कितनी है। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किस में है, कॉटन में है, ठीक है। या हम नहीं देखते हैं तो भी हम क्या करेंगे कि ये जितना एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, जितनी ऊपर तक पहुंचा है उसको हम, उसकी लेंथ को हम मेजर कर लेंगे कि जो ये लेंथ है वो कितनी है, सबसे ज्यादा किस में है। जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसने उतना ही ज्यादा क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब किया है। तो ये देखने पर हमें क्या पता चलता है, कॉटन और वूल है वो क्या करते हैं, मोर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू पॉलिस्टर और लाइलोन। कि पॉलिस्टर और लाइलोन के कंपैरिजन में जो कॉटन और वूल है वो क्या करता है, मोर वाटर एब्जॉर्ब करता है, ओके। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो किस में ज्यादा होती है, कॉटन में और वूल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या स्टडी करते हैं कि टू स्ट्रिप्स
स्टडी द बर्निंग ऑफ सिंथेटिक ऑफ वेरियस ड्रेस मटेरियल, कि जो बर्निंग है, जब किसी भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के दौरान उसमें कैसी स्मेल आती है, कैसे हमें पता चलता है। तो देखो बच्चों, जब हम कॉटन को बर्न करेंगे तो कॉटन को बर्न करने पर क्या होता है, वो विग्रसली बर्न करने लगता है, बहुत तेजी गति से बर्न करता है, और उसके साथ साथ उसमें से क्या निकलती है, एस राख निकलती है, ठीक है। लेकिन जब रेयॉन बर्न करता है, रेयॉन बर्न करेगा तो उसमें कैसी बर्निंग पेपर जैसी स्मेल आती है बच्चों, कैसी आएगी, बर्निंग पेपर। तो ये तो आपको पता ही है, बर्निंग पेपर जैसी क्यों आएगी बच्चों, क्योंकि जो रेयॉन है वो किससे बना हुआ है, वुड की पल्प कैविटी से, वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, और पेपर है वो भी किससे बनता है, वुड से ही बनता है, और जो रेयॉन है वो भी किससे बनता है, वुड से बनता है। इसी वजह से रेयॉन का जो फाइबर है उसको जब हम बर्न करते हैं तो कैसी स्मेल आती है, बर्निंग पेपर जैसी। ऐसे ही वूल और सिल्क को जब हम बर्न करेंगे तो कैसी आएगी, बर्निंग हेयर। क्यों, क्योंकि वो वूल और सिल्क है वो किससे ऑब्टेन किए जाते हैं बच्चों, वूल और सिल्क किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये क्या है, एनिमल फाइबर, क्या है ये, एनिमल फाइबर है, ठीक है, एनिमल फाइबर है। और एनिमल्स की स्किन से ऑब्टेन की जाती है वूल, ठीक है, सिल्क, सिल्क वर्म से ऑब्टेन किया जाता है, वो भी लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करता है। तो इनको जब हम बर्न करेंगे तो कैसी आएगी, बर्निंग हेयर जैसी स्मेल आएगी, क्योंकि जो वूल है वो तो एनिमल के हेयर ही होते हैं। ऐसे ही जो लाइलोन है उसको जब हम बर्न करेंगे तो वो भी बर्निंग हेयर जैसी स्मेल आएगी। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों, जो सिंथेटिक फाइबर है उनको हम ऐसे जलाते हैं तो उसमें ब्लैक ब्लैक बीड बन जाती है, कि वो नहीं, ऐसे नहीं चलता है कॉटन की तरह, वो क्या होता है कि चिपकता चला जाता है ऐसे, और ब्लैक ब्लैक सी बीड्स सी बनती चली जाती हैं, ठीक है, ऐसे ही लाइलोन में होंगी। ऐसे ही पॉलिएस्टर को जब हम बर्न करेंगे तो वो किसके साथ जलेगा, ब्लैक स्मोक के साथ जलेगा, ठीक है। ऐसे ही एक्रेलिक को जब हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो वो भी क्या बना लेगा, ब्लैक बीड बना लेता है और सूटी फ्लेम देता है। सूटी का मतलब होता है कि धुआं वाली, कि जब एक्रेलिक को हम जलाते हैं तो धुआं देता है वो, जैसे नहीं होता कि किसी सब्सटेंस को हम जलाते हैं तो वो धुआं नहीं देता है, जैसे कि ब्लैक बीड देगा, लेकिन ये जो एक्रेलिक है वो सूटी स्मेल, सूटी फ्लेम देगा, मीन्स धुआं आएगी, बहुत सारी धुआं निकलेगी जब इसको हम जलाते हैं तब, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या है, ट्विस्टिंग फाइबर होता है, वो क्या होता है, यार्न के कंपेरिंग, यार्न की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ट्विस्ट करने के बाद जो फाइबर की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो होती है बच्चों, जो कॉटन है, हम अपने घर में कॉटन यूज करते हैं, वो क्या है, फाइबर है, उसको अगर हम ऐसे तोड़ते हैं तो वो इजीली स्मॉल पीस में टूट जाती है। लेकिन जब वहाँ अगर हम धागा तोड़ने लगे तो धागे को तोड़ते हैं तो उसमें कुछ मीन्स हमें बल लगाना पड़ता है, कुछ फोर्स लगानी पड़ती है, उसके बाद टूटता है। क्यों, क्योंकि जो यार्न बना हुआ है वो फाइबर से मिलकर के बना हुआ है, और फाइबर को भी क्या कर दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है, और ट्विस्ट करने के बाद क्या है, यार्न बना है, ठीक है। तो यार्न की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाती है, मीन्स फाइबर को ट्विस्ट करने के बाद यार्न बनता है और यार्न की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। फाइबर के कंपेरिजन में यार्न की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। यार्न मीन क्या होता है बच्चों, धागा, ठीक है। उसके बाद जो एडवांटेज क्या है, सिंथेटिक फाइबर हम यूज बोल रहे हैं, बार बार सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं, तो इसकी एडवांटेज क्या है, एक तो एडवांटेज ये है बच्चों, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो श्रिंक नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर है वो लाइट वेट होते हैं। तीसरा क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो इजीली ड्राई हो जाते हैं। चौथा क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो लंबे समय तक चलते हैं, लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू फैब्रिक मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर, कि जो नेचुरल फाइबर से फैब्रिक बना हुआ है उसके कंपैरिजन में जो सिंथेटिक फाइबर है वो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सिंथेटिक फाइबर की ये तो एडवांटेज हो गई, एडवांटेज के साथ साथ क्या होती है बच्चों, सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज भी होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट, जो सिंथेटिक फाइबर है ना तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना ही स्वेट एब्जॉर्ब करता है। स्वेट मीन क्या होता है बच्चों, पसीने। तो इससे क्या होता है कि हॉट और ह्यूमिड जब वेदर होता है तो उस दौरान जो सिंथेटिक फाइबर के जो क्लोथ बने हुए होते हैं वो हमारी बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं, और उनको पहनने में हम कैसा फील करते हैं, अनकंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट में अगर हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं उस टाइम, तो कॉटन के क्लोथ क्या होते हैं कि जो स्वेट है उसको मोर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद कॉटन क्लोथ पहनने के बाद हमें कैसा महसूस होता है, हमें कूल महसूस होता है और हम कम्फर्ट फील करते हैं,
ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो गई। उसके साथ साथ क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो मेल्ट और बर्न इजीली, कि जल्दी ही क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, ठीक है, और कैच करने के बाद भी क्या होते हैं, जल्दी ही श्रिंक, श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही कहीं पर भी आग पकड़ी तो वो क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा भी होगा कि आप सिंथेटिक फाइबर को जलाते हो, लाइलोन को आप जलाते हो, तो जलना शुरू करता है और ब्लैक ब्लैक सी बीड बना के और हमारी बॉडी के ही चिपकता है, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर है बर्निंग होने पर क्या होता है, श्रिंक हो जाता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, बीड, मीन बीड मीन्स होता है छोटी छोटी गांठें, क्या होती हैं, छोटी छोटी इस टाइप की गांठ होती है, उसको क्या बोलते हैं, बीड्स, और बॉडी के साथ ही क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। इसलिए कहता है कि ऐसे एडवाइस दी जाती है कि जो सिंथेटिक फाइबर है, कहीं पर भी हम जैसे फ्लेम में, फायर फ्लेम के पास या फायर के पास काम कर रहे हैं या किचन में काम करते हैं, तो हमें सिंथेटिक क्लोथ है वो नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक फाइबर है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब एक ये नया वर्ड और आ गया है बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो रोट नहीं होते हैं या जो हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि एग्जांपल क्या लेते हैं हम, पोलोथीन लेते हैं, ठीक है, या प्लास्टिक लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, और दूसरी क्या है, प्लांट लीव्स है, दूसरी क्या है, प्लांट लीव्स। अब आप क्या देखते हो कि प्लांट लीव तो कुछ टाइम के बाद क्या होती है, मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाती है, खाद में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो प्लास्टिक है वो क्या है, मैन्यूर में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैन्यूर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, खाद में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो कन्वर्ट हो जाता है मैन्यूर में वो क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल। तो जो हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं वो किससे बनते हैं, केमिकल से ही बनते हैं, ठीक है, केमिकल से बनने की वजह से क्या है कि वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनको भी हम हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि सिंथेटिक फाइबर हार्मफुल है। उसके साथ साथ क्या होता है, और कोल्ड और ड्राई वेदर होता है तो उस दौरान जो सिंथेटिक फाइबर है उनमें क्या होता है कि स्पार्क सी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कपड़ों को हम निकालते हैं सिंथेटिक फाइबर होते हैं तो उसमें से स्पार्क सी निकलती है, लाइट की स्पार्क जैसे नहीं होती, इस टाइप में निकलती है। वो क्यों निकलती है, क्योंकि जब जो सिंथेटिक फाइबर है वो जब रब करते हैं हमारी बॉडी से, रब करने का मतलब है घिसना, जब हमारी बॉडी से रब कर टकराते हैं तो उस दौरान क्या होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जिस वजह से वो चार्ज होकर के स्पार्क की फॉर्म में उनमें से क्या होती है, लाइट निकलती है। और कई बार हमने देखा, आपने भी देखा होगा, हम स्वेटर निकालते हैं हमारे बालों से जैसे ही रब करते हैं तो स्पार्किंग तो होती है, उसके साथ साथ चढ़ चढ़ की आवाज भी आती है, और बॉयज हैं उनके छोटे हेयर है तो वो भी ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं जब स्वेटर निकालते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज हो जाते हैं। और इस तो इसी वजह से कहता है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो इस तरह से अगर करते हैं, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में ऐसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होगी तो वो भी क्या होती है, स्किन के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो ये एडवांटेज है, जो ये हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ी है, तो जो ये डिसएडवांटेज है इन सभी को कम करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि जो हमारे सिंथेटिक क्लोथ हैं उनको नेचुरल क्लोथ के साथ ब्लेंड कर देते हैं। ब्लेंड बहुत बार वर्ड आया है सर बच्चों, आप फिर से तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। ब्लेंड करने का मतलब क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर है और नेचुरल फाइबर है दोनों को मिला करके हम क्या बना देते हैं, क्लोथ है वो बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्या बताया था कि जो पॉलिस्टर है और कॉटन है उनको ब्लेंड करके क्या बनाते हैं, टेरिकोट बनाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर है उनके जो डिसएडवांटेज है या हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही है बच्चों आज के लिए, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये सब आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी सर्च करेंगे। आधा पार्ट है वो इस वीडियो में है और आधा जो है वो इससे पहले वाली वीडियो में है, ओके, ठीक है। दोनों को आप देखना, देख करके और फिर अपनी बुक में से अच्छे से आप चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।